कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। वो इस दौरान काफ़ी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाने जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि विश्व में द्वापर और त्रेता युग में भी ये देखने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 25 दिनों तक मनाया गया हो। उन्होंने आगे बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 7 साल में मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो उनका जन्मदिन सेवा संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी से सवाल किया, पूछा कि देश में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो बेरोजगारी है, तो क्या पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाए। आइए आपको सुनाते हैं जीतू पटवारी का ये बयान, जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ने बता दिया है कि ये जनता को तय करना है कि देश विश्व का सबसे बड़ा देश है, बेरोजगार हमारा है क्या बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाए। हमने कहा किसान बर्बाद हो गए इनके शासन काल में, तो क्या बर्बादी दिवस के रूप में मनाए। क्या इस नरेंद्र मोदी जी की वादा खिलाफी, संसद में कहा उन्होंने 15,000 घोषणाएं पूरी नहीं की, तो 15,000 घोषणावीर के नाम से बनाए। ऐसी अलग अलग संज्ञाएं, अलग अलग परिस्थितियों में मोदी जी ने जिस तरीके से देश की हालात की है, बर्बाद किया है, तो वो जनता तय करे कि इनका जन्मदिन किस रूप में मनाए। हमने शुरुआत में इस बात को कहा है। आने वाले पीढ़ियों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके कारण उनके नाम से भी उनके जन्मदिन पर कुछ न कुछ ऐसा भावना देश के परिवार के संवैधानिक स्वरूप में लाया गया और उनके जन्मदिन को हम सब मना